अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं UF नर्सरी एंड ट्यूशन क्लासेस की एक ज़िम्मेदार टीचर। आज हमने यहाँ पर मालेगांव फैशन मेला के ज़िम्मेदारान की तरफ से हमें आज मौका मिला हमारे बच्चों को यहाँ पर लाने का। नर्सरी के नन्हे मुन्ने तलबा तलबात और ट्यूशन क्लास के बच्चों ने बेहतरीन एक्शन सॉन्ग परफॉर्मेंसेस, तकरीर, नात वगैरह पेश किए। इसमें हमने मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे शहर अजीज़ की कुछ शख्सियात को बुलाया था, जिसमें सबसे पहले मालेगांव फैशन मेला की रूह रवा शर्मीन मैडम, उनकी वालिदा मोहतरमा परवीन मैडम, उनकी बुआ मतलब यास्मीन मैडम जो कि मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, हमारी सरपरस्त मोहतरमा तैयबा साहबा जो कि सुएस हाई स्कूल इस्लामपुरा ब्रांच की इंचार्ज हैं, हमारी वालदा मोहतरमा मरियम साहबा। इस तरह से हमने मुख्तलिफ गेस्ट को बुलाया था। इसके अलावा चांदनी साहबा थी और इरम साहबा थी, डॉक्टर शकीला सैयद साहबा थी। इन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को बहुत ही सपोर्ट दिया, हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। हम उनके तहे दिल से मशकूर ममनून हैं। तमाम ही आए हुए हाज़रीन के भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बेइंतहा सब्र का मुजाहरा किया, हमारे बच्चों के बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं शर्मीन हिंदुस्तान वाला यहाँ आए हुए तमाम ही मेहमानान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और UF नर्सरी स्कूल का ये स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया और तमाम ही ऑडियंस को इंजॉयबल मोमेंट दिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ आने के लिए। आप लोग हमारी ऐसे ही मदद करिए और हमें ऐसे ही ऊँचाई पर पहुँचाइए। स्वेस हाई स्कूल की असिस्टेंट टीचर एज अ गेस्ट आज मैं यहाँ मौजूद थी। मैंने जब स्टेज पर बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शहर की कोई नामवर नामी ग्रामी रेपुटेड स्कूल के प्रोग्राम चल रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इन बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। इनकी काबिलियत देखकर, इनकी सलाहियतें देखकर और इनकी ज़बरदस्त तैयारी देखकर मुझे UF नर्सरी के ज़िम्मेदारान पर रश्क हुआ कि एक छोटा सा अगर ये अदारा चला रहे हैं UF नर्सरी, जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, इतनी जल्दी तरक्की की राहों पर ये गामजन हो चला। 4 साल कलील मुद्दत में इतनी तरक्की कर जाना कि एक बड़े मजमे के सामने अपने बच्चों को पेश करना वाकई तारीफ के काबिल है। इनके ज़िम्मेदारान और इनसे बढ़कर इनके साथी असातिज़ा की बेपनाह काविशें इन बच्चों के परफॉर्मेंस में नज़र आईं। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे ये किसी बड़े अदारे की बड़ी सी तैयारी वाला परफॉर्मेंस था। मैं शहर अजीज़ के मालेगांव फैशन मेला के ज़िम्मेदारान की मशकूर हूँ कि उन्होंने इन माहौल से तरसे हुए बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जहाँ इन्होंने अपने आप को खुशनसीब पाकर अपने परफॉर्मेंस दी। तमाम लोगों ने उनकी सराहना की और इस मेले में एक तालीमी हैसियत से हमने अपने तमाम आइटम्स रखकर अपने आप को बहुत फ़ख्र महसूस किया अपने आप पर। अज़ीज़ को सब कुछ दिया है ना, फैशन के नाम पर कुछ लोगों के पास जो है तो कुछ बदगुमानियाँ उठी थी कि पता नहीं यहाँ क्या कुछ होने वाला है, लेकिन जिस नहज पे ये कारवां चला है वाकई अपनी कामयाबी की मंजिल बहुत जल्द छू लेगा। यहाँ तालीम नज़र आई, सकाफत नज़र आई, ब्यूटिशियन के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा डेमो दिया जिसे देखकर कई नौजवान लड़कियों ने रोज़गार के मौके तलाश किए, बाहर स्टॉल वालों को रोज़गार मिला। इसके अलावा हर तरीके के लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठाया है, बहुत कामयाबी से ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना हैं। मैं इनकी मशकूर हूँ और अपनी बात यहाँ ख़त्म करती हूँ।